इसे बंद कर देना। नमस्ते सभी को। आज फिर हम परमेश्वर का वचन सुनते हुए समय बिताएंगे। आइए फिर से हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय एक बार हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय एक वचन से पढ़ के हम शुरू करेंगे। फिर यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह मंदिर में फिर आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुक कर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो दोस्तों, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन सुनते समय एक चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये पूरा बाइबल परमेश्वर ने हमको क्यों दिया है, ये पूरे बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ क्या करना चाहते हैं और हमें हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये चीज हमको सटीकता से जानने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने हमको बाइबल इसलिए नहीं दिया है ताकि हम लोग जाने कि हम लोग पापी हैं और हम लोग पाप ना करने का कोशिश करें और हम लोग अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। सिर्फ इस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको बाइबल दिया है, ऐसा नहीं है। तो बाइबल देने का पूरा उद्देश्य, अगर हम पूरे बाइबल को पढ़ेंगे, 66 पुस्तक को, 66 बुक्स को अगर हम बाइबल में से पढ़ेंगे और देखेंगे एक एक करके, तो हम सटीकता से इस बात को जान सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमें ये यहाँ पे बाइबल के बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर हमें जानने देता है कि हम लोग आदम से पाप में जन्मे हैं और हम लोग पाप में जन्मने के बाद इस संसार में हमने जो जीवन को जिया है वो जीवन हमको पता भी नहीं है कि वो पाप हमें कहाँ लेके जाएगा, और हमको पता भी नहीं कि हम पाप में जन्मे हैं, हम लोग पाप कर रहे हैं, ऐसी बातें भी हम लोग को मालूम नहीं है। तो परमेश्वर ने किस उद्देश्य से हमको बाइबल दिया, व्यवस्था दिया, माफ कीजिए, तो ये व्यवस्था देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ताकि हम सटीकता से किसके बारे में जान सके, पाप के बारे में जान सके। तो मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने इंसानों को दी, तो वो 10 आज्ञा परमेश्वर ने इंसानों को क्यों दिया है? ऐसा नहीं है कि वो 10 आज्ञाएं पालन करके एक पाप में जन्मा हुआ पापी इंसान वो धर्मी बन जाएगा और वो पाप के कर्म नहीं करेगा और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, या फिर वो एक अच्छा इंसान बन के वो स्वर्ग में जाएगा। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं नहीं दी थी। तो 10 आज्ञा देने के पीछे एक पापी को 10 आज्ञा दी गई है, एक भले इंसान को 10 आज्ञा नहीं दी गई है, एक पाप में जन्मे हुए आदम के द्वारा जन्मा हुआ एक पापी इंसान जो माँ के गर्भ से ही पापी जन्मता है, वो पापी को दिए हुए वो आज्ञाएं हैं। तो ये समझाने के लिए दिए गए हैं कि तुम इन आज्ञाओं का, क्योंकि आज्ञाएं पवित्र है और तुम ये पवित्र आज्ञाओं का तुम पालन नहीं कर सकते हो, तो फिर हमें आज्ञाएं दी क्यों जब हम उसको पालन नहीं कर सकते हैं? जब हम आज्ञाओं का पालन करके हम धर्मी नहीं बन सकते, फिर हम धर्मी नहीं बन सकते, हम उसके द्वारा फिर हम स्वर्ग नहीं जा सकते, तो आज्ञाएं दी क्यों? तो ये हमने खोजने की जरूरत है। तो जब भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन समझने का कोशिश करते हैं, कई लोगों के पास ये सवाल आता है कि पास्टर उदयराज, जब आप प्रचार करते हो पाप क्षमा हो गया, ये बात तो आप अच्छा से समझाते हो, लेकिन बाइबल में ऐसे भी तो लिखा है ना, यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई है और उस प्रार्थना में कहा है कि हे पिता, हमारे अपराधों का क्षमा कर, बोल के यीशु ने हमें सिखाया है अपराधों की क्षमा पाने के लिए। ये बात सही है, वो यीशु ने सिखाई है। पहली बात तो आपको ये जानने की जरूरत है, जब आप उस प्रार्थना को पढ़ोगे, अभी मेरे पास समय नहीं है उसका क्लियरिफिकेशन वन बाय वन पूरा उसको क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर आप वहां देखोगे तो आप पाओगे, तुम जब प्रार्थना करो तो इस रीति से करो, यू डू लाइकवाइज,
इस रीति से करो। इसका मतलब ये नहीं कि यही प्रार्थना को रिपीट करो। वो जो प्रभु ने जो प्रार्थना वहां पे लिखी है, प्रभु की प्रार्थना जिसे हम कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना को रिपीट करने को नहीं लिखा गया है। अगर आप आगे रोमियो में जाओगे, रोमियो की पत्री में आप जाओगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आइए रोमियो के बाइबल को थोड़ा देखेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में देखेंगे तो लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ऐसी ही आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहां पे लिखा है कि अगर आप सच्ची में पाप से अगर मुक्ति पाते हो तो, अगर आप सच में पाप से उद्धार पाते हो तो, आप अगर आपका दिल सटीकता से पाप क्षमा को अगर आप समझ गए, पाप क्षमा क्या है, लोग सिर्फ सोचते हैं आप पाप क्षमा, इतना ही नहीं है पाप क्षमा, सिर्फ ये शब्द अपने आप में बहुत आसान है, लेकिन ये पाप क्षमा आपको देने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको ये बात जानना है। तो मत्ती उसके 1 अध्याय 21 वचन में क्या लिखा गया है, उसका नाम तुम यीशु रखना, कोई क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये पाप क्षमा जो शब्द आप बोल रहे हो, ये पाप क्षमा इंसान को कब मिला है, यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा है, यीशु मसीह को जगत के लोगों का पाप अपने ऊपर लेना पड़ा है, वो पाप लेकर के वो क्रूस पर बलिदान होना पड़ा है, और वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा मनुष्य के पापों की क्षमा दी गई है। तो वो क्षमा आपको ठीक रीति से जानने की जरूरत है। अगर आप सटीकता से पापों की क्षमा पाते हैं तो उस समय से आप वो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को ही करोगे, ऐसा नहीं है, और ना ही आप अपने बुद्धि से अपनी शक्ति से प्रार्थना करने जानोगे और कर पाओगे भी, लेकिन लिखा है कि आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानता है। ये आत्मा मतलब किसकी आत्मा की बात कही गई है, ये पवित्र आत्मा, ये जो यीशु की आत्मा के बारे में कहा गया है। यीशु का आत्मा आपके अंदर आने के लिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए, आपको सबसे पहले पाप की क्षमा पाने की जरूरत होती है। अगर आपके मन में पाप है, आप कितना भी साल पाप का क्षमा मांग रहे हो और आपको पाप की क्षमा ही नहीं मिल रही है, आप पापी के पापी रह रहे हो, आपको पाप की क्षमा ही नहीं मिल रही है, वो क्षमा मांगने का भी क्या मतलब है? वो पाप क्षमा मांग रहे हो तो आपको ये जानना है, सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने पाप क्षमा पाना है, इतना नहीं जानना है, इसके साथ आपने ये भी जानने की जरूरत है पापों की क्षमा कैसे होती है बाइबल के अनुसार। तो वहां पे आत्मा हमारे लिए विनती करता है, साफ रीति से लिखा हुआ है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे किया करो, ऐसा नहीं बोला है कि यही प्रार्थना को रिपीट किया करो। और बाइबल में कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि एक ही बात बकबक मत करो, एक ही बातों के लिए प्रार्थना करते समय एक ही बात को दोहराओ मत, एक ही बात को दोहराओ मत। क्यों? क्योंकि मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। तो जब शैतान आपको धोखा देना चाहता है, कैसे धोखा देता है, एक पाठ दिखा के आपको धोखा देता है। आप सिर्फ सोचते हो प्रभु ने ही सिखाया ना, प्रभु की प्रार्थना में प्रभु ने सिखाया है पाप का क्षमा मांगने के लिए, तो हमने पाप का क्षमा मांगना चाहिए। आप जो बोल रहे हो यहां तक ठीक है, लेकिन उसके आगे आपको क्या सोचने की जरूरत है? अगर मैं मेरे पाप की क्षमा मांग रहा हूं तो मैंने ये भी जानने की जरूरत है पाप क्षमा कैसे मिलती है। सिर्फ आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल आप पाप की क्षमा मांग रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आपके पाप क्षमा हुए या नहीं हुए। अगर हुए तो कैसे हुए? अगर कोई बोल रहा है आपके पाप क्षमा होगा तो कैसे हुए मेरे पाप क्षमा? अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप पापी के पापी रह के अंत में आप सिर्फ नरक नहीं जा सकते। इसके लिए आपने इस बात को ठीक रीति से जानना है। वो क्या जानने की जरूरत है? हाँ, मैं पापी हूं अगर आपको समझ में आता है, और परमेश्वर से आप परमेश्वर मुझे मेरे पापों की क्षमा दीजिए, अगर आप सच्चे में इतना तो भी अगर बात को विश्वास करते हैं कि मैं पापी हूं, अगर इतना तो भी आप मानते हैं, और मैंने मेरे पापों की क्षमा पाना है, अगर आप ये भी बात मानते हैं, तो आपको ये भी बात मानने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप की क्षमा कैसे मिलती है। तो आपने बाइबल के अनुसार देखना है किसने पाप की क्षमा मांगी और उसको पाप की क्षमा मिली है। बाइबल में जब हम पाप करते हैं तो क्या लिखा है, जब कोई इंसान को उसके पाप का अगर समझ आता है तो, ये बारे में लिखा है लेवी व्यवस्था से हम लोग देखना शुरू कर सकते हैं। लेवियों की पुस्तक 4 अध्याय वहां पे पाप के बारे में साफ रीति से लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊंगा। लेवी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 27 वचन से जब हम देखते हैं वहां पे लिखा है, ये लेवी की पुस्तक मतलब हमें पापों की क्षमा के बारे में दिखाने वाला,
लेवी का पुस्तक एक पापी और एक पवित्र परमेश्वर का मिलन कैसे हो सकता है इसके बारे में सिखाता है। तो लेवी का चौथा अध्याय 27 वचन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए। 27 वचन में लिखा है पहली बात पाप क्या है। एक पापी को पहले पाप समझ में आना जरूरत है। पाप क्या है? पाप वो नहीं है जिसको आप बोलोगे वो पाप है, ऐसा नहीं है। पाप वो है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है 27 वचन में, प्रभु ने मना किया था वो अगर आप करते हो। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा आपको झूठ मत बोलो, तो आपने झूठ बोल दिया। प्रभु ने कहा झूठ मत बोलो, आपने झूठ बोला, ये क्या हो गया? पाप हो गया। तो जब आप व्यवस्था के द्वारा देखते हो, हाँ परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोल और मैंने झूठ बोला और मैंने झूठ बोलने का पाप किया, जब आपको यह समझ में आता है कि आपने झूठ बोलने का पाप किया है, उसके बाद आपको क्या करने की जरूरत है? आपको समझ में आया आपने पाप किया, आपको समझ में आया आपने प्रभु का व्यवस्था तोड़ दिया, प्रभु ने आपको बोला था झूठ मत बोलने के लिए, आपने झूठ बोल दिया, तो आपने क्या किया? ये पाप है। तो पहले आपको पाप जानने की जरूरत है, पहले आपको पाप को पहचानने की जरूरत है। उसके बाद जब आप पाप जानते हो तो क्या लिखा है बाइबल में, 28 वचन में लिखा है, देखिए क्या लिखा है 28 वचन में, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए लेकर आए। तो वहां पे साफ रीति से लिखा है कि जब कोई इंसान को उसका पाप समझ में आ गया, इसको उसका पाप समझ में आ गया, तो अभी उसको अपने पापों की क्षमा पानी है, तो अगर उसको अपने पापों से उद्धार पाना है तो क्या करने की जरूरत है? बाइबल में लिखा है उस पाप के लिए जो उसने किया है, उस पाप के लिए जो उसको समझ में आया, उस पाप के लिए एक निर्दोष बकरी को लेके आना है। तो ये अध्याय को जब आपके पास समय होगा आप पूरा पढ़ लीजिए। वो पापी जाएगा, जाकर के एक निर्दोष बकरी को लेके आएगा, फिर उसको लेके कहाँ आएगा? मिलाप वाले तंबू में आया जाता है। बाइबल में वहां जगह है जहां लोगों को पापों की क्षमा मिलती है, बाइबल में वो जगह है जहां इंसान पाप का क्षमा मिलता है, वो तरीका है, वो एक रास्ता है पाप क्षमा का, जो परमेश्वर उत्पत्ति के समय से लेकर के निरंतर अभी तक हमें देता आ रहा है। अगर आप बाइबल को सटीकता से देखोगे तो आदम और हवा ने पाप किया, वहां पे क्या हुआ है? वहां पे एक निर्दोष जानवर मार दिया गया है। वो निर्दोष जानवर के चमर को निकाल के आदम और हवा को चमर वस्त्र दिया है। वो निर्दोष जानवर कौन है? वो यीशु का छाया है। अभी यहाँ पे भी जो निर्दोष बकरी दिखा रहा है, ये निर्दोष मेमना जो दिखा रहा है, वो निर्दोष मेमना भी कौन है? ये यीशु की एक छाया है। ये जुना पूरा जुना करार में देखोगे तो कई जगह यीशु का छाया आप देख सकते हो, और वहां पे आप देख सकते हो पाप की क्षमा है। तो कैसे पापों की क्षमा है? पाप की क्षमा के लिए मौत गया है, मौत हुआ है। तो जब उसको पापी को पाप समझ में आता है, वो जाकर के बकरी लेके आएगा, फिर उसके बाद याजक बोलता है वो बकरी के सर पर तुम अपना हाथ रखो, फिर वो जब अपना हाथ रखता है, हाथ रखने के बाद क्या है? उसका पाप उस बकरी के ऊपर चला गया। उसके बाद जब उसका पाप उस बकरी के ऊपर चला गया, कौन मरेगा अभी? वो पापी मर रहा है क्या? बकरी का बलिदान करने को लिखा है यहाँ पे, वो बकरी का बलिदान करने को कहा गया है। वो बकरी को काट जाता है, वो मारा जाता है, उसका लहू बहाया जाता है। उसके बाद बाइबल में लिखा जब वो बकरी मरेगी, उसको काट दिया जाएगा, उसका लहू जो है वेदी के सिंगों पे लगाने के लिए कहा है परमेश्वर ने। आज मेरे पास समय नहीं है ये सभी बातें एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको जानना जरूरी है पापों की क्षमा कैसे मिलती है। अगर आप पाप के विषय में लापरवाही करोगे दोस्त, पाप हमको नरक में लेके जाता है, ये बात जानने की जरूरत है। अगर हमने पाप की क्षमा पाके पवित्र कैसे होना है, और पापों की भी क्षमा, सब पाप की क्षमा पाना है, अनंत काल का छुटकारा पाना है। यीशु मसीह में जो छुटकारा है वो अनंत काल का छुटकारा है। यीशु ने जो हमको पवित्र किया है वो सदाकाल का पवित्र किया गया है। और परमेश्वर ने ऐसी पवित्र प्रतिज्ञा हमसे की है कि वो हमसे हमारे पाप कभी भी याद नहीं करेगा। हमारे पाप सदा सर्वदा के लिए क्षमा किए गए हैं। अनंत काल का छुटकारा यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया है, और उसने जो हमको पवित्र किया वो सदा सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। वहां तक आपको सटीकता से पहुंचना ही है। अगर आपका मन वहां तक नहीं पहुंचा तो आपके मन में सिर्फ यही विश्वास रहेगा कि मैं पापी हूं, और अंत में ये विश्वास आपको कहां लेके जाएगा? आपको नरक में ही लेके जाएगा, क्योंकि जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए होगा बाइबल के अनुसार। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसा वचन में लिखा है वैसा विश्वास होना चाहिए। तो हम बाइबल में जैसे अब्राहम की धार्मिकता के बारे में कहा गया है, अब्राहम ने यहोवा पर भरोसा किया, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, और उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको यह विश्वास करना जरूरत है कि यीशु ने आपके कितने पाप लिए, वो जानने की जरूरत है।
कैसे आपके पाप लिए वो जानने की जरूरत है, आपके पाप की सजा मौत कैसे चुकाई ये जानने की जरूरत है, आपके सारे पाप उसने अपने लहू से कैसे धोए, और क्यों ये बाइबल कहता है कि आप पवित्र हो, क्यों ये बाइबल कहता है कि आप धर्मी हो, क्यों ये बाइबल कहता है कि आप सदा सर्वदा के लिए सिद्ध किए गए हो, ऐसे लिखा है परफेक्टेड फॉर एवर हु हैज बीन सैंक्टिफाइड। इब्रानियों 10 अध्याय 14 वचन में लिखा है पवित्र जो लोग हो जाते हैं वो पवित्र होने वाले लोगों के लिए यीशु ने सदा सर्वदा के लिए अपने ही बलिदान के द्वारा एक ही बार सिद्ध कर दिया है। और इब्रानियों उसके 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया है। लेकिन लोग बाइबल को बंद करके खाली बाइबल में से एक चीज उनकी समझ में आता है, वो क्या है, मैं पापी हूं, प्रभु ने बोला है पिता हमारे पाप क्षमा कर, ये इस वचन को तो लोग पूरा मानते हैं लेकिन ये पूरे बाइबल का इनकार करते हैं। आप क्यों बाइबल का इनकार कर रहे हो आज? बाइबल को ही पढ़ के आप जान गए आप पापी हो, लेकिन आप बाइबल को पढ़ के क्यों ये नहीं जानना चाहते हो कि पापों की क्षमा कैसे होती है? बाइबल को पढ़ के आप जान गए कि आप पापी हो, आप नर्क में जाओगे पापी हो, तो क्यों आप बाइबल पढ़ के ये नहीं जानना चाहते हैं कि चोर और वेश्या लोग स्वर्ग में कैसे गए? फिर चोर और वेश्या लोग भी तो स्वर्ग में गए ना। मत्ती के 21 अध्याय 31 वचन में शास्त्रियों और फरीसियों को यीशु ने कहा ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमसे पहले वेश्या और जकातदार लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आपको यह जानना है वेश्या और जकातदार लोग कैसे स्वर्ग में गए, और अपने आपको पूछना है वेश्या और जकातदार स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं क्योंकि उनको योहन्ना के द्वारा प्रचार किया गया, धार्मिकता पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने पश्चाताप किया और विश्वास किया। लेकिन शास्त्री और फरीसी पछताना नहीं चाहते हैं। किस बात से पछताना नहीं चाहते हैं? वो लोग अभी तक धर्मी नहीं बने हैं, वो लोग अभी तक पवित्र नहीं बने हैं, वो अभी भी पापी हैं, वो लोग अब मरेंगे तो नर्क में जाएंगे, इस बात का उनको कोई पछतावा नहीं है। यीशु पे विश्वास करके कैसे धार्मिकता मिलती है? यीशु के लहू और यीशु की मृत्यु में जो छुटकारा है वो छुटकारे के द्वारा अनंत छुटकारा कैसे मिलता है, और अनंत काल के लिए हम लोग कैसे धर्मी होते हैं, पवित्र होते हैं? लोग इस बाइबल को बाइबल में ढूंढना नहीं चाहते। लोगों को ये बात बहुत अच्छा लगता है, मैं पापी हूं, हमने पाप किया, हम पापी हैं। कहां जाएंगे आप अगर आप जानते हैं आप पापी हो? तो आपने ये भी जानना है आपको पाप कैसे पता चला, और आपको पता चला कि मैंने परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ा है इसलिए मैं पापी हूं, मैंने झूठ बोला है, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है झूठ मत बोल, झूठ बोलने में भी पाप है, आपने झूठ बोला है और पाप हुआ, ये आपको समझ में आया तो आपको जानना ये जरूरी है व्यवस्था के अनुसार आप श्रापित हो, व्यवस्था के अनुसार आपको मृत्यु दंड मिलेगा। उसके साथ आपको ये जानना है अगर मैंने अभी पाप किया तो पाप की क्षमा के लिए क्या करूं, तो परमेश्वर आपको किसकी ओर लेके जाएगा, 28 वचन की ओर लेके जाएगा, जो लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय 28 वचन में लिखा है, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए लेके आए। जब आपको पाप समझ में आता है आपका मन उस निर्दोष यीशु की तरफ जाएगा जिस यीशु ने आपके पाप का बलिदान चुकाया है, तब आप जानोगे कि यीशु के बलिदान में आपके ये पाप कैसे क्षमा हुए हैं। तो आप पाप की क्षमा पाने की कोशिश नहीं करोगे, जब आपको आपके पाप समझ में आएंगे आप उस निर्दोष यीशु की तरफ जाओगे, आपका मन उस निर्दोष यीशु की तरफ जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके पाप का दंड उस निर्दोष यीशु ने कैसे चुकाया, आपके लिए वो निर्दोष यीशु कैसे दोषी बना, और आपके पाप का सजा उसने कैसे चुकाया, और मृत्यु और लहू के द्वारा उसने कैसे आपको धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, ये बात आप जानोगे। और अगर आपके पास सटीक विश्वास नहीं है धर्मी और पवित्र होने का, तो आपको ये भी जानने की जरूरत है मत्ती के 25 अध्याय के अनुसार मैं कहां चलूंगा। तो सिर्फ इतना बोलने से अच्छा है ऐसा नहीं है। हाँ, यीशु ने बोला है हे पिता हमारे पाप क्षमा कर, हाँ ये बात जरूरी है, हमने जानना है हमारे पापों की क्षमा पाना है, ये जानना ही है जरूरी है, हमने हमारे पापों की क्षमा पिता परमेश्वर से पाना है। लेकिन पाप की क्षमा कैसे मिलती है ये भी तो जानना है, पाप की क्षमा कैसे मिलती है? कहीं बाइबल में ऐसे लिखा है कि पाप की सजा प्रार्थना है, पाप की सजा पाप का क्षमा मांगो तो पाप का सजा खत्म हो गया, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है ना सटीकता से, हम हमारे पापों को अगर मान लें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। तो लोग फिर एक वचन को इसको भी कोड करते हैं और कहते हैं कि यदि हम हमारे पापों को मान ले तो यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। देखो ना कितना साफ लिखा है, लोग एक भाग को मानते हैं, हम हमारे पाप को मान रहे हैं ऐसा मानते हैं,
लेकिन वो यीशु के लहू को विश्वास नहीं कर रहे जिस लहू से ऑलरेडी वो शुद्ध ठहरा गए हैं। तो यीशु का लहू बहाया जाने वाला है या यीशु ने अपना लहू बहा दिया है? यीशु आपको अपने लहू से धोने वाला है या यीशु ने आपको अपने लहू से धो दिया है? अगर धो दिया है तो कौन सा पाप है फिर जो आप धुलवा रहे हैं? फिर आपका पाप कौन सा पाप था जो यीशु ने अपने लहू से धोया? और कौन सा पाप है जो आप अपनी प्रार्थनाओं से धोना चाहते हो? वो कौन सा पाप है जो यीशु के लहू से धोया नहीं गया? कौन सा सजा है जो यीशु की मृत्यु से चुकाया नहीं गया? ये सब बातें बहुत ही सवाल पैदा करती है। अगर आप लोग ये सवाल नहीं पैदा करोगे, अपने आप से सवाल नहीं पूछोगे और सिर्फ आप ऐसा ही आंखें बंद करके बाइबल के प्रति, बाइबल के परमेश्वर के वचन के प्रति अगर आप अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ आप आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन जब आप न्याय के सामने खड़े होंगे उस दिन आप बोलोगे, हे प्रभु मैंने कब बोला था ऐसा, हे प्रभु मैंने कब किया था ऐसा। उस समय में बहुत मुश्किल होगा। ये बाइबल ये न्याय की पुस्तक है, इसलिए आज आपको परमेश्वर के वचन के आगे खड़ा होने पाना है। ये पूरा बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये पवित्र शास्त्र कोई मनुष्य की विचारधारणा नहीं है, ये किसी भी मनुष्य की अपनी विचारधारणा नहीं है। ये सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के प्रेरितों ने लिखा हुआ है। और ये पूरे पवित्र शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, आपको सिखाना आप कैसे पाप में जन्मे, आपको सिखाना आप कैसे पापी हो, आपको सिखाना कि पापी कैसे नरक में जाते हैं, और आपको सिखाना एक पापी के लिए कैसे यीशु आया, और आपको सिखाना कैसे आपके पाप उस यीशु के ऊपर गए, और आपको सिखाना कैसे आपके पाप की सजा क्रूस पर खत्म हो गई, और आपको सिखाना कि उसके क्रूस पर से बहाए हुए लहू से आपके पाप धुल गए, आपको पवित्र किया गया, आपको धर्मी किया गया। ये विश्वास आप तक पहुंचाना चाहता है ये पवित्र शास्त्र। लेकिन अगर आप मनुष्य की बुद्धि से अगर ये पवित्र शास्त्र को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ इतना ही समझ पाएंगे कि आप पापी हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे और यीशु के बलिदान को समझेंगे तो आप जान जाओगे कि यीशु के बलिदान के द्वारा आप बिना मूल्य धर्मी हो और परमेश्वर आपके पाप कभी भी याद नहीं करता। ये वहां तक आपको पहुंचने की जरूरत है। अगर अगर आप यीशु पे विश्वास करके अभी भी आप पापी हो तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि यीशु का क्रॉस फेल हो गया, यीशु क्रूस पर सफल नहीं हुआ, यीशु ने क्रूस पे हमारे पाप को क्षमा करने का काम पूरा नहीं किया, यीशु का लहू असफल है, आप ऐसा बोलना चाहते हो। अगर यीशु के लहू में आपके पाप धुले नहीं और अगर आप सोचते हो कि आपकी प्रार्थना में आपके पाप धुलेंगे तो मुझे लगता है एक बार आपको फिर से बाइबल की ओर लौटने की जरूरत है, एक बार फिर से बाइबल को चेक करने की जरूरत है। यहाँ जूना नियम में लेवी की पुस्तक में पाप के बारे में बहुत डिटेल लिखा हुआ है। तो जब कोई जूना करार में इसराइलियों में कोई पाप करता था तो पाप करने के बाद क्या करता था, वो पापी जाके मेमना या बकरा लेके आएगा, उसके बाद निर्दोष बकरी या फिर निर्दोष मेमना लेके आएगा और वो पापी अपना हाथ उस मेमने या बकरी के ऊपर सर के ऊपर रखेगा, उसका पाप उसके ऊपर ट्रांसफर होगा, फिर उस निर्दोष मेमने को काटा जाएगा। क्यों? पाप का सजा मौत है। तो पाप की सजा मौत इस रीति से दी जाती है और क्रूस पे से बहाए हुए उस लहू से, बहाए हुए लहू से पाप की सजा मृत्यु भी खत्म होती है और उस लहू के द्वारा वो वेदी के सिंगों पे लगाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से उसके बाकी का जो मेमना है, उसका जो शरीर है, उसको जलाया जाता है। उसको लिखा है, एंड तक आप पढ़िए 21 वचन तक आप इस बात को समझेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है इस तरीके से उसको उसके पापों की क्षमा मिलेगी। फिर अभी उसने आज सुबह पाप का क्षमा पाया और शाम को जाके फिर से घर में झगड़ा किया, झगड़ा करने का पाप अभी उससे हो गया, क्या करना पड़ेगा उसको? ओ परमेश्वर, आज मैंने सुबह मेमना बलिदान दे दिया था, अभी शाम को मैंने फिर से पाप किया, इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे मेरे पापों की क्षमा चाहिए, आज सुबह का बलिदान चला लो, काम चला लो और मुझे मेरे पापों की क्षमा करो, ऐसा बोल के नहीं होगा। जब उसने फिर से पाप किया, फिर से जब उसको पाप समझ में आया, फिर से उसको जाना पड़ेगा और एक निर्दोष बकरी या एक निर्दोष मेमना लेके आना पड़ेगा, उसके सर पे अपना हाथ रखना पड़ेगा, उसके पाप फिर से उसके ऊपर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर से उसको मारना पड़ेगा, फिर से उसको उसके बहाए हुए लहू के द्वारा, वेदी के सिंगों पे लहू बहाने के द्वारा, उसकी बाकी का जो बॉडी है उसको जलाने के द्वारा, इस तरीके से पापों की क्षमा मिलती है। और ये सब कुछ दिखाता है कैसे यीशु मसीह ने अपने शरीर में हमारे सारे मानव जात के सारे पाप यीशु ने उठाए हैं, संपूर्ण मानव जात के जगत के पाप यीशु ने उठाए हैं। यीशु जानते हैं आप कब जन्मोगे, यीशु जानते हैं आप कब मरोगे, यीशु जानते हैं आप जीवन में कितना पाप करोगे, आपके सारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा के
आपकी जगह वो क्रूस पर मर के आपके सजा उसने चुका के आप आपके लिए लहू बहा के उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। तो आपका हृदय यहां तक पहुंचने की जरूरत है। ओके, तो ये यूहन्ना 8 अध्याय में भी जब हम देखते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय में भी जब ये स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया तो व्यवस्था के अनुसार तो उसको मर जाना चाहिए। तो परमेश्वर ने दो व्यवस्थाएं दी है, दो व्यवस्था, पहली नई पुरानी व्यवस्था, पुरानी वाचा और नई वाचा। तो आइए हम आज ये दो वाचा के बारे में देखेंगे। तो ये इर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन के आगे लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो इर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 वचन यहां पे ऐसे लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी कि जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। तो यहाँ पे 31 वचन में एक वाचा है जिस वाचा के बारे में लिखा है कि लोग और वाचा को तोड़ दिए। ये कौन सी वाचा है? ये मूसा को जो 10 आज्ञाओं की उस 10 आज्ञाएं जब दी परमेश्वर ने, जब नियम और आज्ञाएं दी उस समय में परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। ये वाचा मतलब क्या है? एक प्रतिज्ञा होती है जो परमेश्वर अपनी ओर से कहता है। तो परमेश्वर अपनी ओर से क्या उसने प्रतिज्ञा किया था? इसराइलियों से प्रतिज्ञा किया था, इसराइल और यहूदा के घराने से उसने प्रतिज्ञा किया थी, देखो मैं तुम्हें जो नियम और आज्ञा दे रहा हूं उसको अगर तुम पूरी रीति से पालन करोगे और उसको पूरी रीति से तुम पालोगे तो मैं इस शास्त्र में लिखा हुआ सारा आशीर्वाद तुमको दूंगा, लेकिन अगर उसको पूरी रीति से पालन नहीं करोगे, अगर एक भी तोड़ोगे तो इस शास्त्र में लिखा हुआ सारा श्राप मैं तुम पे डालूंगा। ये आप देख सकते हैं व्यवस्था विवरण बाइबल ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहा जाता है, उसके 28 अध्याय में 1 से लेके 15-20 वचन तक आप पढ़िए, ये बात इन डिटेल आप समझ पाओगे। व्यवस्था को पालन करने से ही आशीर्वाद मिलेगा, व्यवस्था को तोड़ने से श्राप मिलेगा। श्राप अगर आप देखोगे तो बहुत श्राप की बातें लिखी गई है। आशीर्वाद के वचन देखेंगे तो 1 से लेकर के 14 वचन तक आशीर्वाद के वचन है, श्राप के वचन देखेंगे तो 15 वचन से लेकर 68-69 वहां तक क्या है, क्या लिखा हुआ है, श्राप के वचन लिखे हुए हैं। तो परमेश्वर इंसान को सटीकता से बोलना चाहते हैं, उस वाचा में लिखा हुआ है, वो वाचा ही ऐसा वाचा है, वो वाचा ऐसा वाचा है, अगर तुम मेरे नियमों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर मेरे नियम तोड़ोगे तो श्राप दूंगा। ये अपने आप में एक वाचा है। ये वाचा कैसी है? आप नियम पालन करोगे आपको आशीष मिलेगा, आप नियम तोड़ोगे आपको श्राप मिलेगा। आप नियम तोड़ दिए तो परमेश्वर को आपको श्राप देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाचा ही ऐसी करार ही ऐसा है परमेश्वर का। इसलिए हम ये बाइबल को नया करार और जूना करार बोल के दो करारों में विभाजन किए हुए हैं। तो आपको ये बात जानना है कि जूना करार और नया करार क्या बोलता है। जूना करार मतलब क्या, किसके बारे में बोला गया है? मोशे के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे करार किया था, सीनै पर्वत पर जो करार किया गया था, वो करार कौन सा था? वो करार ऐसा था, मेरी व्यवस्था का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मेरी व्यवस्था तोड़ोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, मृत्यु दूंगा। ठीक है, अब ये यूहन्ना 8 अध्याय में जो स्त्री पकड़ी गई अभी व्यभिचार का पाप करते हुए, तो ये स्त्री जूने करार के तहत पकड़ी गई। अभी जूने करार के तहत जब वो पकड़ी गई तो उसको अभी मृत्यु देना ही पड़ेगा। अगर ये स्त्री को बचाना है तो ये करार बदलना पड़ेगा। तो आपको यहां जानने की जरूरत है, यूहन्ना 8 अध्याय में जब ये स्त्री के बारे में लोगों ने पूछा, यीशु ये स्त्री व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई, मोशे के नियम में ऐसे लिखा है कि ऐसे पर पथराव करके इसे मार दो, लेकिन तुम इसके बारे में क्या बोलते हो? उस समय में यीशु ने जमीन पर उंगली से कुछ लिखा है। तो अगर आप बाइबल में देखोगे तो जूना नियम में अगर हम लोग देखते हैं तो मूसा के समय में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने ही हाथों से वो 10 आज्ञाओं की पाटियों को लिखा और लिख करके परमेश्वर ने इंसान को दिया। तो अभी ये स्त्री उस नियम के अनुसार जो जूना समय में परमेश्वर ने लिखा था, मूसा के समय में जो लिखा था, उस लेखन के अनुसार परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके साथ न्याय कर रहा है। तो परमेश्वर उस लेखन के अनुसार जब वो न्याय कर रहा है, उस लेखन को परमेश्वर ने क्या लिख के दिया था? व्यभिचार करने वाले को दंड दिया जाएगा। तो अभी ये स्त्री उस नियम के अनुसार, उस करार के अनुसार ये औरत को क्या मिलना है? श्राप मिलना है, दंड मिलना है, मृत्यु मिलना है। तो अभी जमीन में यीशु लिख रहे हैं, मतलब क्या है? अभी यहाँ पे यीशु नया करार कर रहे हैं, यहाँ पे अब यीशु नया नियम लिख रहे हैं।
अगर आप देखेंगे यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 और 32 वचन में लिखा है, उन्होंने मेरी जुनी जुनी वाचा तोड़ दी, पुरानी वाचा को तोड़ दिया। यहाँ पे पुरानी वाचा और नई वाचा है, तो अभी नई वाचा क्या है? 33 वचन से हम देखेंगे, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर नई वाचा की बात कर रहा है। नई वाचा क्या है? ये लोग ने मेरी पुरानी वाचा तोड़ दी, लोगों ने अभी मेरी पुरानी वाचा तोड़ दी। मैंने इनको 10 आज्ञा दिया, 10 आज्ञा उन्होंने तोड़ दिया। 10 आज्ञा जो मैंने उसमें टैबलेट में उस पत्थर पे लिख के जो दिया था, वो पत्थर के उसमें जो लिख के जो वाचा दिया था, वो वाचा तो मेरे लोगों ने तोड़ दिया। अभी मैं क्या करूंगा? मैं नई वाचा लिखूंगा। कहां लिखूंगा? लिखा है मैं उनके हृदय में लिखूंगा। वो पत्थर पे लिखूंगा, वो तो तोड़ दिया हमने, परमेश्वर हमारे हृदय में नई वाचा लिखेगा। वो क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पे लिखूंगा। अभी परमेश्वर नया वाचा कर रहा है, नई वाचा। नई वाचा कहां लिखेगा? हमारे मन में लिखेगा। कहां समवाएगा? हमारे हृदय में समवाएगा। ये नई वाचा क्या है जो हमारे मन में डालना चाहता है परमेश्वर? वो वाचा ये है, 34 वचन, तब उन्हें ये फिर एक दूसरे को यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म का क्षमा करूंगा और उनके पाप स्मरण नहीं करूंगा। तो यहां आप 34 वचन में परमेश्वर के वो नए प्रतिज्ञा को देख सकते हैं, नई वाचा। नई वाचा क्या है? मैं तुम्हारे पाप याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे पापों का याद कभी भी नहीं करूंगा। समय ऐसा आएगा कि मैं उनके हृदय में ये बात डालूंगा, मैं उनके विवेक में बात समझाऊंगा, मैं उन लोग को बताऊंगा मैंने तुमको कैसे पवित्र किया है, मैं उनको बताऊंगा मैंने तुमको कैसे धर्मी किया है, मैं उनको बताऊंगा मैं उनके पाप याद नहीं करता, मैं उनको बताऊंगा कि मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा कैसे किया है। ये वचन को आप सटीक तरह से देखोगे, यीशु मसीह आने से 700 साल पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समय से ही परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपना हृदय दिखाया। यिर्मयाह, ऐसे दिन आएंगे मैं नई वाचा करूंगा, नई वाचा। तो अभी ये स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया, ये जूनी वाचा के अनुसार न्याय की जा रही है या नई वाचा के अनुसार न्याय की जा रही है? अगर जूनी वाचा के अनुसार न्याय किया जाए तो इसको पथराव करके मार देना है, लेकिन नई वाचा के अनुसार जब यीशु इसका न्याय करते हैं तो नई वाचा के अनुसार ये स्त्री का न्याय किया जाता है। उस समय में यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड नहीं देता, जा और दोबारा पाप मत कर, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझे जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, उसके पास जीवन की ज्योति रहेगी। इसका मतलब क्या है? नया करार क्या है? नया करार ये है, मैंने तेरे अधर्म क्षमा किए। नया करार क्या है? मैं तेरे पाप याद नहीं करूंगा, मैं तेरे पाप याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये नया करार परमेश्वर ने हमसे किया है, इसको हम लोग नया करार कहते हैं। जूना करार क्या कहता है? तू पाप न मत कर, पाप करेगा तो तुझे श्राप मिलेगा, पाप नहीं करा तो आशीर्वाद मिलेगा, पाप करा तो श्राप मिलेगा। नया करार क्या कहता है? मैं तेरा पाप क्षमा किया और मैं तेरे अधर्म को याद नहीं करूंगा और मैं तेरे पाप कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। ये नया करार है। तो अभी ये स्त्री ने पाप किया, यूहन्ना के 8 अध्याय में जो स्त्री हमको दिखाई दे रही है, ये स्त्री ने पाप किया है, पक्का किया है। इसके पाप की सजा मौत है, ये मौत यीशु ने चुकाया। इसका पाप और श्राप का जिम्मेदारी यीशु बने। उसने जो वाचा को तोड़ा है, वो वाचा को तोड़ने का जो श्राप है, वो श्राप यीशु ने ले लिया और यीशु ने उससे करार किया। वो करार क्या है? ज्योति का करार है। मैं तेरे पाप याद नहीं करता, मैं तुझे दंड नहीं देता। तो अगर ये बात को आप और ठीक रीति से समझना चाहते हैं, इब्रानियों 10 अध्याय में एक बार फिर से जाने की जरूरत है। ये फंडामेंटल विश्वास अगर नहीं है तो हम पवित्र आत्मा से जी नहीं सकते। इसके लिए मैं हर दिन हर पल इस बात में सटीकता से जोड़ देना चाहता हूं ताकि आपको सुसमाचार समझ में आए। आज बहुत सारे लोग हैं, उनका मन पाप से मुक्त नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते हैं। अगर आप अपने पापों से मुक्ति पाओगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नेचुरली आ जाएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर नेचुरली आएगा, क्या होगा? पवित्र आत्मा के दान भी आपके अंदर नेचुरली आएगा। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है, पवित्र आत्मा के दान के बारे में सीख के आप क्या करोगे? आपको पवित्र आत्मा के दान मिल जाएंगे,
आपके अंदर पाप की आत्मा है, आपका अपने पाप की आत्मा से छुटकारा ही नहीं पाया, अपने पाप की क्षमा ही नहीं पाई, आप पापी के पापी हो। पवित्र आत्मा को आओ, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ बोल के आपको लगता है इस रीति से पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकोगे? नहीं। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पत्रस ने लोगों को सिखाया, मन फिराओ और तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पाप क्षमा है वहां पे, अपने अपने पापों की क्षमा पहले पाना जरूरी है। तो पापों की क्षमा कैसे पाई जाती है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, दूसरी बातें नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि पापों की क्षमा कैसे पाई जाती है। मन फिराओ मतलब क्या है, मन फिराना मतलब क्या है? मन फिराने को सटीक रीति से जानना है, मैंने अपने मन से आने वाले सोच के अनुसार स्वर्ग में जाने के बारे में नहीं सोचना है, मैंने मेरे मन के आने वाले सोच के अनुसार ये नहीं सोचना है अच्छा क्या है बुरा क्या है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य के मन से आने वाला हर एक सोच निरंतर बुरा है। इसलिए मैंने इस सोच से मन फिरा के प्रभु के वचन के अनुसार मैंने उद्धार को जानना है, प्रभु के वचन के अनुसार मैंने पापों की क्षमा को जानना है, प्रभु के वचन के अनुसार मैंने पाप क्षमा को पाना है, तब हम लोग क्या हो सकते हैं? पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पाप की क्षमा पहले है, बाद में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा के दान है। पवित्र आत्मा ही नहीं है, पापों की क्षमा ही नहीं है और आप पवित्र आत्मा के दान सीखेंगे, ये सीखने से आपको कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है, उस सीखने से आप स्वर्ग चले जाएंगे ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा के काम सीखने से आप स्वर्ग चले जाएंगे ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सीख के आप स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है। पापों की क्षमा पाके पवित्र आत्मा पाने से हम स्वर्ग में जाते हैं। इसको बाइबल में नया जन्म कहा गया है। पहला जन्म आदम के द्वारा में पापी जन्मा, नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने नए सिरे से जन्म पाना है, तब मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको निरंतर सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं ताकि आपको पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म मतलब क्या है ये बात आप ठीक रीति से जान सको। तो आप यहाँ पे सोचो इब्रानियों उसके 10 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 10 अध्याय में यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 10 अध्याय 8 वचन में अगर आप देखेंगे तो 8 वचन 7 से हम पढ़ेंगे, नहीं 5 से पढ़ेंगे, 5 से इब्रानियों 10 अध्याय 5 वचन से एक एक करके पढ़ेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, प्रभु यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तो यहाँ पे लिखा है बलिदान और भेंट तूने ना चाहा लेकिन मेरे लिए एक देह तैयार किया, मतलब ये किसकी देह के बारे में बात कर रहा है? ये यीशु की देह के बारे में बात कर रहा है। किसके अगेंस्ट में ये देह तैयार किया गया है? भेंट और बलिदान के अगेंस्ट में, परंतु ऐसा लिखा है भेंट और बलिदान तो दिया जाता था लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भेंट और बलिदान के द्वारा हमारे पाप धो के हमको पवित्र नहीं किया जा सकता, हमको सिद्ध नहीं किया जा सकता और हमें स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं किया जा सकता। हाँ, जब हम परमेश्वर को भेंट और बलिदान देते हैं एक पाप का क्षमा मिल सकता है, एक पापों की क्षमा मिल सकती है, लेकिन हम अनंत काल के लिए धर्मी और पवित्र नहीं हो सकते, हम सिद्ध नहीं हो सकते। इसके लिए वो जो जूने करार में जो भेंट और बलिदान दिया जाता था पापों की क्षमा के लिए, उस भेंट और बलिदान के द्वारा अनंत छुटकारा नहीं मिला, इटर्नल रिडेम्पशन नहीं मिला। इसके लिए यीशु को अपना शरीर धारण करके इस संसार में आना पड़ा ताकि यीशु के द्वारा इंसानों को क्या मिल सके? अनंत छुटकारा मिल सके, अनंत काल के लिए पाप से मुक्ति मिल सके। इसके लिए यहाँ पे यीशु बोल रहे हैं ये 5 वचन में, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। 6 वचन, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और पाप बलि तो परमेश्वर को दिया जाता था, कंटिन्यू प्रेयर करते थे लोग, होम बलि देते थे, पाप बलि देते, लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते। आप जानते हैं प्रभु कब प्रसन्न हुआ? जब यीशु मसीह संसार में आए और यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया, उस समय परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है इससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों वो दिन परमेश्वर यीशु से प्रसन्न हुए? वो बपतिस्मा लेते समय क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रति प्रसन्न हुए? पहले दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को बपतिस्मा दिया, दूसरे दिन यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही दे रहा है। यूहन्ना के 1 अध्याय 29 वचन में, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आप जानते हैं पुराने समय में जो भेंट और बलि जो दिया जाता था, बलिदान, होम बलि और पाप बलि के द्वारा पाप खत्म नहीं होते थे, पापों की क्षमा इंसान को नहीं मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब जगत का पाप अपने ऊपर उठाया,
उस समय परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा यीशु मसीह ने जगत का पाप अपने ऊपर उठाया है। जब यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के सर पर हाथ रखा, जगत का पाप यीशु के ऊपर ट्रांसफर हुआ है। वो समय था जब जगत का पाप यीशु के ऊपर गया। अगर आप जूना करार में देखोगे तो जब एक पापी मेमने के सर पर हाथ रखता है तब उसके पाप उस मेमने के ऊपर चले जाते हैं। फिर एक समय है जब इजराइल लोगों के जो ये होते थे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जैसा कि हारून इजराइल लोगों का एक साल का पाप वो मेमने के ऊपर देता था, बकरे के ऊपर देता था, ऐसा भी समय था। एक समय आया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में मत्तियुस के 11:11 वचन में ऐसे लिखा गया है, स्त्रियों में से जो जन्म सब में श्रेष्ठ यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोल के लिखा है। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्त्रियों में से जो जन्मे उनमें सबसे श्रेष्ठ था? आप जानते हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो गवाह था जो परमेश्वर की ओर से आया, और वो आखिरी याजक था इस पृथ्वी का जो मनुष्य जाति का पाप किसको देने वाला था? परमेश्वर का मेमना यीशु को देने वाला था। तो उसने परमेश्वर के मेमने यीशु को, उसने जगत का पाप उसने यीशु को दे दिया। और उस समय में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या प्रचार किया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। बाइबल में लिखा है दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा के लेके जाता है। पहले दिन यूहन्ना ने गवाही नहीं दी, पहले दिन यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। जब यीशु यूहन्ना के पास आया वो दिन यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, लेकिन दूसरे दिन जब यूहन्ना यीशु को अपनी ओर आते हुए देखता है तो यूहन्ना को यीशु के ऊपर क्या दिखते हैं? जगत के पाप दिखाई देते हैं। हाँ, मैं याजक हूं, मैंने जो यीशु को दिया है वो क्या है? जगत का पाप है। तो यूहन्ना सटीकता से गवाही दे रहा है, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के ऊपर जगत का पाप दे दिया। उसके बाद यूहन्ना 8 में जब हम देखते हैं यीशु ये स्त्री को कह रहे हैं, मैं तेरे पाप का दंड तुझे नहीं देता। यीशु जितनों से मिले हर एक से यीशु ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्रियों और फरीसियों ने बहुत झगड़ा किया, ऐसे कैसे तू पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, तू क्या परमेश्वर है क्या? परमेश्वर को छोड़ के और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ऐसे बहुत लोगों ने लड़ाई किया, लेकिन उनके लड़ाई करने से उनके लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए, ऐसा नहीं है। आप मानो या मत मानो, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आप मानो या मत मानो, आप स्वीकार करो नहीं करो ये आपके ऊपर है, लेकिन यीशु ने आपके पाप क्षमा किए हैं। ये सत्य आपको जानने का अधिकार है, ये सत्य आपने जानना भी चाहिए। आप सोचिए इसके बारे में, वो दिन जब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के पाप जब यीशु ने क्षमा किए, जो शास्त्री और फरीसी जो आए थे क्या उनके पाप यीशु ने क्षमा नहीं किए? लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, वो लोग चले गए यीशु को छोड़ के। आज बहुत सारे लोग वचन सुनना नहीं चाहते हैं, लोग ये बात सुनना ही नहीं चाहते कि उनके पाप कैसे क्षमा हुए। लोग क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, तुम कितना ग्रेट हो, तुम कितना महान हो, हम इंसान कितने महान है, हमने कितना अच्छा काम करना चाहिए, हम इस संसार में मिसाल बनना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा पापों की क्षमा नहीं होती। मैं घूम फिर के उसी जगह में आऊंगा और ये बात मैं आपको सटीकता से बताऊंगा, पाप की सजा मौत है और खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। आइए फिर से सोचे परमेश्वर के आगे। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यीशु जब इस पृथ्वी पे आए, यीशु ने क्या कहा? हे परमेश्वर, पाप बलि और मेल बलि तूने ना चाहा, लेकिन तूने अपने लिए एक देह तैयार किया। मैं आ गया हूं इस पृथ्वी पे ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। तो आपको यह जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या है शुरू से। मैंने कई बार आपको बताया, शुरू से परमेश्वर की इच्छा क्या है, जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर की इच्छा क्या है, इफिसियों में लिखा है। आइए एक बार इफिसियों को देखेंगे। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय इफिसियों का 1 अध्याय 4 और 5 वचन आप देखिए अपने बाइबल में लिखा हुआ है। इफिसियों का 1 अध्याय 4 और 5 वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही यह प्लान बनाया है, यीशु मसीह के अंदर ही हम लोग पवित्र और निर्दोष बन सकते हैं। जब हम सटीकता से यीशु के बलिदान को जानेंगे, जब हम सटीकता से यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को जानेंगे, और हम सटीकता से यीशु के बहाए हुए लहू को जब हम जानेंगे कि यीशु ने कैसे हमको पवित्र और निर्दोष कर दिया है। क्यों? जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने यह ठहरा के रखा था कि यीशु के अंदर ही हम लोग पवित्र हो जाएं, यीशु के अंदर ही हम लोग निर्दोष हो जाएं, और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के ले बालक पुत्र हों। वो लिखा हुआ है 5 वचन में इफिसियों, इफिसियों उसका 1 अध्याय
पांच वचन, और अपनी इच्छा के भले प्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको पवित्र करना चाहता था, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी करना चाहता था, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको निर्दोष करना चाहता था, और यीशु के द्वारा हमें अपनी संतान होने का अधिकार देना चाहता था। तो अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर पवित्र है, अगर मैं पापी हूं तो ये संतान का समस्या है। मेरा नाम उदयराज पौडेल है और मेरा बेटा फेथ ने ये पौडेल सरनेम ऐसे ही पाया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे से पैदा हुआ है, इसलिए वो अपना नाम पौडेल वो रखता है। क्यों? क्यों उसका नाम नेचुरली पौडेल है? क्योंकि वो पौडेल का बेटा है। वैसे ही अगर आप पाप की संतान है, आप पापी हो। अगर आप नए सिरे से जन्म पाते हो, उद्धार पाते हो, आप परमेश्वर की संतान बनते हो, तो परमेश्वर पवित्र है, आप भी पवित्र होंगे, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र बने, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो कैसे एक पापी पवित्र बन सकता है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक पापी को पवित्र बनाया है परमेश्वर ने। ये परमेश्वर के पूरे प्लान को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। शैतान आपको बाइबल का एक भाग दिखा के आपको धोखा ना दे। आप सटीकता से परमेश्वर की उस योजना को जानो जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही है। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुना है। मसीह यीशु में हमें धर्मी बनाने का निर्णय किया है। मसीह यीशु में पवित्र करने का निर्णय किया है और वो भेजा। इसलिए यीशु इस दुनिया में आके क्या बोला? देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यहाँ पे सटीकता से लिखा है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। आठ वचन, ऊपर तो वो कहता है तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलियों को ना चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, व्यवस्था के अनुसार ये सब बलिदान पहले से चढ़ाया जाता था, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। नौ वचन में, फिर ये भी कहता है देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। वह अब पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु आ गया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। वो पहले को उठा देता है, वो दूसरे को नियुक्त करने के लिए। ये पहले को उठा देता है मतलब क्या है? यीशु अभी जूना करार को खत्म कर रहा है, जूने नियम को पूरा कर रहा है ताकि वो नए नियम को स्थापित करे। वो नया नियम को कैसे स्थापित करता हमारे मन में? ये आप देखिए दस वचन में, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यहाँ पे सटीकता से लिखा है उसी इच्छा से। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। कैसे पुराने नियम के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के अनुसार हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? पुरानी व्यवस्था के अनुसार हम लोग कैसे धर्मी हो सकते हैं? पुराने नियम के अनुसार तो हम पाप करने वाले लोगों को क्या मिलेगा? पाप की सजा मौत ही मिलेगी। लेकिन यीशु ने अपना ही देह क्रूस पर बलिदान करके हमको पवित्र करके नया नियम हम पे स्थापित कर दिया है। और वो नया नियम क्या है? सत्रह वचन में लिखा है, वो पढ़ के मैं खत्म करूंगा। हमारा लाइट भी चला गया, इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया, तो एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। 17 और 18, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 17 और 18, फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो दोस्तों आज आपको ये जानने की जरूरत है, ये नया नियम यीशु ने कैसा पूरा किया है? यीशु ने नया नियम कैसे स्थापित किया है? अपना ही देह अर्पण करके, हमको पवित्र करके, आप प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, करार किया है, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे स्वराचार, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म कभी भी याद नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करेगा। और अगर आपके पास सवाल हैं तो आप दूसरों से सवालों का जवाब मत ढूंढिए, आप बाइबल में जाइए, आपको जवाब मिलेगा। अगर आप अधिक और नहीं समझ पा रहे हैं, कृपा करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पापों की क्षमा के बारे में आपको समझाने के लिए मुझे खुशी होगा, आनंद होगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को, जय मसीह। आइए हम एक बार प्रार्थना करके खत्म करेंगे। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें यह आनंद जीवन दिया। परमेश्वर आज यूहन्ना 8 अध्याय में हमने देखा वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उसको व्यभिचार के पाप के कारण जूने नियम के अनुसार उसको पथराव करके मार देना था, लेकिन यीशु ने उसकी जिंदगी में नया नियम स्थापित किया। वो नया नियम ये था कि प्रभु उसके पाप याद नहीं कर रहा था और प्रभु उसके पाप का सजा खुद ने दे दिया था और प्रभु ने अपने लहू से उसको पवित्र किया था। इसके लिए प्रभु उसके पापों का दोष उसको नहीं लगाया और प्रभु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड नहीं देता, जा और पाप मत कर, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो प्रभु यीशु आप सिर्फ आप हमें पापों से छुड़ाते हैं ऐसा नहीं है,
आप हमें सिर्फ पवित्र और धर्मी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप हमें पाप नहीं करने वाला जीवन देते हैं और आप हमें ज्योति में चलने वाला जीवन देते हैं जो अंधकार में नहीं चलता। प्रभु सच में वचन को सुनने वाले लोगों को आप अनुग्रह दीजिए, ये जूना नियम और नया नियम का फर्क उनको जानने दीजिए। जूने करार के अनुसार सब पापी लोग मरेंगे, क्योंकि जूना करार कहता है कि तुम अगर पाप करोगे तुम्हें मृत्यु का दंड और नरक मिलेगा। लेकिन परमेश्वर नया नियम क्या कहता है, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म को कभी भी याद नहीं करता। नया नियम में यीशु मसीह ने अपना ही शरीर क्रूस पर बलिदान करके हमारे पाप और श्राप को खत्म करके उसने हमको इब्रानियों 10:10 के अनुसार सदा सर्वदा के लिए उसने हमको पवित्र किया है। परमेश्वर मैं सच में प्रार्थना करता हूँ वचन के सुनने वाले लोगों को आप अनुग्रह दो ताकि वो लोग सटीकता से उस उद्धार की कथा को समझ सके उनके हृदय में। यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया स्वर्गीय पिता, आमीन। ओके, सबको धन्यवाद, जय मसीह।